देख रहे हैं नेशनल टुडे धनबाद का लोकप्रिय न्यूज चैनल। मैं हूं सरता। चलिए खबर की ओर। लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा झारखंड अस्मिता जागरण की मंच द्वारा धरना प्रदर्शन। धनबाद के देवी स्कूल को बचाने के लिए ये आंदोलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। देखिए झारखंड अस्मिता जागृति मंच के अध्यक्ष रंजीत परमार ने क्या कहा हमारे चैनल के माध्यम से। डीआरएम निरीक्षण के लिए आया था, 26 को ओपनिंग होना है, क्या कुछ बताएं जी। देखिए आज हम लोगों का 10+2 विद्यालय बचाने के लिए आज हम लोगों का इस मैदान में जहां निर्माणाधीन होना है हम लोगों का दूसरा दिन आज यहाँ पर धरना है। और हमने अभी उपायुक्त महोदय को डीआरएम साहब को सबों को भी विज्ञप्ति हमने भेजा है कि यदि 13 तारीख तक इस पर कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता है, बातचीत नहीं होती है, तो 14 तारीख से हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। हम लोग की सीधा सीधी मांग है कि स्कूल के खेल ग्राउंड को बाधित नहीं किया जाए और बच्चों का भविष्य को अंधकार में नहीं डाला जाए। जब खेल का मैदान छीन जाएगा तो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूल की मान्यता रद्द हो जाएगी, जिससे यहाँ पर अध्ययनरत 1200 छात्र छात्राओं का जो भविष्य वो अंधकार में हो जाएगा। और ये शिक्षा अधिकार अधिनियम में क्लियर कट है। मोदी जी भी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, परंतु आज ये खेल के ग्राउंड को जो रेलवे प्रशासन द्वारा और नगर निगम के द्वारा इन दोनों के द्वारा मिल करके एक षड्यंत्र के तहत जो इसके बीचों बीच जो सड़क निकाला जा रहा है, इसका कोई औचित्य नहीं है, ये असंवैधानिक है और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और 14 तारीख से हम लोगों का आमरण अनशन यहाँ पर स्टार्ट होगा और तब तक रहेगा जारी जब तक कि हमारे मांगे पूरी नहीं होती। धनबाद डीआरएम का स्टेशन के दक्षिण छोर में दौरा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि एक तरफ रंजीत परमार धरने में बैठे हैं, दूसरी ओर धनबाद डीआरएम 26 जनवरी को रोड चालू कराने में लगे हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा हमारे चैनल के माध्यम से। कि जितने कर्मी हैं और अधिकारी हैं सभी पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि हम लोग 26 जनवरी तक स्केल्टन रोड दे सकें, ताकि धनबाद के जितने भी नगरवासी हैं उनको धनबाद स्टेशन आने जाने में सहूलियत हो और पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए रेलवे का हमेशा रेलवे तैयार है और डे नाइट काम करके वो कार्य को पूरा करेंगे, ताकि जो हमारे जो भी पैसेंजर्स हैं या जो भी हमारे नगरवासी हैं उनको रेलवे स्टेशन आने में कोई कठिनाई ना हो और वो सुरक्षित और समय से स्टेशन पहुंच सके। रोड बनने की वजह से करीब 62-70%